किस तरीके से डायग्राम डालते हैं। ठीक है, मैं अभी सभी को नमन करते हुए मैं अपनी विंडो स्क्रीन जो है वो शेयर करती हूँ। ठीक है ना, तो ये जो है आपका क्या है, ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ हाँ, जी आपकी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? ब्लॉक डायग्राम दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है आपको? ब्लॉक डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये आप अच्छे से समझ गए क्या? ब्लॉक डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखिए, कंप्यूटर में यहाँ पर देखो, सबसे लेफ्ट हैंड में आपको दिखाई दे रहे हैं कि इनपुट डिवाइसेस दिखाई दे रहे हैं। इनपुट डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट कराते हैं, तो वो कहाँ जाता है? मेमोरी में जाता है। ठीक है ना, और मेमोरी से डाटा सीपीयू में जाता है, और सीपीयू से डाटा वापस मेमोरी में आता है, और फिर वह मेमोरी से वो आउटपुट डिवाइस की तरफ जाता है। देखिए ना, ये डाटा का जो फ्लो है, ये जो एरो बना हुआ है, ये डाटा के फ्लो को बताता है। तो इस तरीके से हम बिफोर क्लासेस में हम 2 बार इसको पढ़ चुके हैं, मगर फिर भी आप लोगों को इस डायग्राम से क्या होता है, कंप्यूटर किस प्रणाली पर किस तरीके से काम करता है, वो पूरा स्पष्ट हो जाता है कि इनपुट डिवाइस के द्वारा हम डाटा कंप्यूटर में प्रविष्ट करा रहे हैं, और फिर वो डाटा कहाँ जा रहा है? मेमोरी में जाता है, मेमोरी से प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर में जाता है, और प्रोसेसर से वापस वो मेमोरी में आता है। ये डबल हेडेड एरो जो आपको दर्शाता है, वो डाटा के टू साइड, दोनों साइड फ्लो को दिखाता है। ठीक है ना, फिर मेमोरी से डाटा कहाँ गया? आउटपुट डिवाइस की तरफ गया। तो इस तरीके से आपने ये देखा ब्लॉक डायग्राम, इससे आपको पूरे कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है वो आपको स्पष्ट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़े थे कि हार्डवेयर क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। हम कीबोर्ड पढ़ चुके थे, कीबोर्ड की कीज को भी हम 2-3 बार पूरा स्पष्ट रूप से देख चुके हैं। ये पॉइंटिंग डिवाइस है माउस, माउस को भी हमने समझ लिया था। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर भी इनपुट डिवाइस होता है, इससे आपकी जो पिक्चर है, डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट है, ये सब स्कैन होके कंप्यूटर में प्रविष्ट हो जाती है। MICR जो होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये क्या करता है? बैंक के जो चेक्स होते हैं उनमें जो लिखा हुआ कोड होता है उसको पहचानने का काम करता है। वो जो कोड्स लिखे होते हैं वो मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं, तो उस मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए जो कोड होते हैं उनको पहचानने का काम कौन करता है? MICR करता है। ठीक है ना, ये जो है आपने देखा, ये मैंने चेक की एक फोटो डाल रखी है, और वो उसकी डिवाइस की फोटो भी मैं डाल दूंगी। OMR जो होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ये क्या करता है कि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसकी OMR शीट होती है। ठीक है ना, उस OMR शीट को वो क्या करता है, OMR शीट को वो चेक करता है। तो OMR पहले ही कंप्यूटर में एक प्रोग्राम दे दिया गया होता है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर है। तो ये OMR क्या करता है, उस राइट आंसर को चेक करता है, अगर वो मिसमैच होता है तो उनको अलग काउंट कर लेता है, यानी कि वो गलत हैं, और जितने सही होते हैं उनको काउंट करके वो रिजल्ट तुरंत बता देता है। तो OMR से बहुत सारी कॉपियां एक साथ चेक हो जाती हैं। इसीलिए जहां पर बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब जो एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इस तरीके से एग्जाम जो होते हैं, या एंट्रेंस एग्जाम है, जहां पर बहुत नंबर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां पर OMR शीट के द्वारा ही एग्जाम दिया जाता है, जिससे कि क्या है, वो मशीन से चेक हो जाए। ये होता है बारकोड रिकॉग्निशन, वो आप देखते ही हैं, जब मॉल वगैरह में जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो प्रोडक्ट्स पे ये बारकोड लिखे रहते हैं, उन बारकोड को वो रीड करते हैं। रीड करने से क्या होता है कि इन बारकोड पर एक इंफॉर्मेशन कोडेड होती है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे जाती है। ठीक है ना, अब आप कहोगे कि मैडम ये बारकोड किस तरीके से प्रिंट होते हैं? तो बारकोड, जब हम किसी इंफॉर्मेशन को बारकोड प्रिंटर अलग होते हैं, बारकोड प्रिंटर के द्वारा जब प्रिंट कराते हैं तो वो बारकोड के रूप में प्रिंट होते हैं। ठीक है ना, इस पर एक बड़ी इंफॉर्मेशन कोडेड होती है। आप देखते हैं पेन होता है कितना छोटा होता है, पेन पर भी बारकोड लिखा होता है, तो उस पर बारकोड पर एक
जो प्रोडक्ट की जो मेन इंफॉर्मेशन है, पूरी डिटेल है, वो कोडेड होती है, ठीक है? तो ये बारकोड का उपयोग होता है। वॉइस इनपुट क्या करता है, आपके वॉइस को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराने का काम करता है। अभी मैं ये ईयरफोन के द्वारा, क्या हो रहा है कि मेरी वॉइस जो है वो आप तक जा रही है और आपकी वॉइस जो है वो मुझ तक आ रही है, ठीक है ना? तो ये वॉइस इनपुट डिवाइसेस का भी बहुत महत्व होता है। अब हम आज की जो क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस। तो जिस तरीके से डाटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराया, वो कहां पर सुरक्षित होता है? मेमोरी में जाके सुरक्षित होता है। और वो प्रदर्शित कहां पर होता है? आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा प्रदर्शित होता है। जैसे अगर आपको सॉफ्ट कॉपी देखनी है, तो सॉफ्ट कॉपी तो आप क्या करते हैं, सॉफ्ट कॉपी तो आप मॉनिटर स्क्रीन पर देखते हैं। ये जो है ना, यहाँ पर जो डिवाइस का चिन्ह बना हुआ है, ये है मॉनिटर, ठीक है ना? पहले इस तरीके के मोटे वाले, जो टीवी जैसे, जो बड़े टीवी जैसे, आजकल तो टीवी भी एलसीडी आ रही है, ठीक है ना? तो ये जो मोटे वाले जो कंप्यूटर होते थे, इनको हम मॉनिटर को बोलते थे, सीआरटी मॉनिटर। कौन से मॉनिटर? सीआरटी। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है ना? सीआरटी कंप्यूटर, सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। ना ठीक है ना, कैथोड रे ट्यूब। दूसरे प्रकार के होते हैं, इनको हम वीडियो भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले आउटपुट, ठीक है ना? तो है ना, वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये वाले जो मोटे वाले कंप्यूटर होते हैं, हम वीडियो भी बोलते हैं इनको, और सीआरटी भी बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है ना? दूसरे प्रकार के जो है ना मॉनिटर होते हैं, वो होते हैं पतली स्क्रीन वाले, ठीक है ना? उनको हम बोलते हैं एलसीडी। एलसीडी का जो फुल फॉर्म होता है, वो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है ना? एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? या यस मैम, ठीक है ना? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है ना, एलसीडी का फुल फॉर्म। किसका फुल फॉर्म होता है? एलसीडी का। या इसके अलावा भी एक और होते हैं, वो होते हैं एलईडी। एलईडी भी सुना है आपने। अब एलईडी की फुल फॉर्म कौन बताएगा? आप लोगों में से किसी को पता है एलईडी की फुल फॉर्म? मैम, बोलो। लाइट इमिटिंग डायोड बिल्कुल, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है ना? तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है, वो किसका फुल फॉर्म होता है? एलईडी का। और सीआरटी होते हैं, सीआरटी जो होते हैं, उनका फुल फॉर्म क्या बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको? कैथोड रे ट्यूब। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तुम लोग वैसे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। कैथोड रे ट्यूब, ठीक है ना? तो सीआरटी का फुल फॉर्म जो होता है, वो होता है कैथोड रे ट्यूब। एलसीडी का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलईडी का होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये तीन प्रकार के मॉनिटर होते हैं, जो कि किसी भी डाटा को डिस्प्ले करने का काम करते हैं। डिस्प्ले यानी प्रदर्शित करने का काम करते हैं। जो भी, जैसे मैं अभी टाइप कर रही थी, वो टाइप तो मैं किसके द्वारा कर रही थी? कीबोर्ड के द्वारा, ठीक है ना? और जो दिखाई दे रहा है, वो किसके ऊपर दिखाई दे रहा है? वो मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? तो डाटा को प्रदर्शित कराने का जो काम करता है, वो आउटपुट डिवाइस करता है। तो मॉनिटर जो दिखाता है, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट दिखाता है, और प्रिंटर दिखाता है हार्ड कॉपी आउटपुट। अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है? तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जो कि आप मॉनिटर स्क्रीन पर कंप्यूटर की मदद से देखते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। और जिसको आप प्रिंटर की मदद से पेपर पर देखते हैं, वो हार्ड कॉपी आउटपुट होता है।
ठीक है ना। तो जैसे ये पेज है, इस पेज पे जो इंफॉर्मेशन है वो मैं मॉनिटर स्क्रीन पर देख रही हूँ, तो ये सॉफ्ट कॉपी है। ये जो प्रेजेंटेशन है जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, ये प्रेजेंटेशन की सॉफ्ट कॉपी है। और इस प्रेजेंटेशन का अगर मैं प्रिंटर के द्वारा प्रिंट निकाल लूँ तो वो क्या कहलाएगा? हार्ड कॉपी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगी? हार्ड कॉपी कहलाएगी। तो सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो मॉनिटर पर हम देखते हैं, कंप्यूटर की मदद से मॉनिटर स्क्रीन पर। और जो हार्ड कॉपी होती है, हार्ड कॉपी को हम प्रिंटर के द्वारा प्रिंट निकालते हैं। ठीक है ना, समझ आया ये बात? तो अगर जैसे आपको ये कहा कि है ना, आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी आप जानते ही हैं कि अगर आपने कोई मेल किया कोई किसी फाइल का, या फिर आपके फॉर्म का मेल किया, तो मेल करते समय आप सॉफ्ट कॉपी मेल करेंगे, ठीक है ना। और अगर उसको प्रिंट निकाल के आप जमा कर रहे हैं कार्यालय में तो उसको बोलेंगे हार्ड कॉपी। ठीक है, अब क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं हम प्रिंटर पर। तो प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर जिसके द्वारा, ये प्रिंटर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है, और इसके द्वारा पेपर पर आउटपुट लिया जाता है। ठीक है ना, प्रिंटर जो है वो पेपर पर आउटपुट प्रदर्शित ना प्रिंट करती है। तो प्रिंटर आपने देखे हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आप जब है ना दुकानों पर जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो वहां भी उनके पास एक प्रिंटर होता है। उससे आप देखते हैं कि एक पतली सी स्ट्रिप निकलती है जिस पर ग्रे ग्रे सा लिखा रहता है, और उस पर डॉट 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 की मिलने से बनता है वो। देखा है आपने? वो जो बिल जनरेट करते हैं, वो बिल कैसे होते हैं? वो डॉट 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 पास पास होते हैं, उनके बनने से वो प्रिंट आउट आता है। और वो आप देखते हो थोड़ा हल्का होता है, इतना गहरा नहीं होता है। तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं, मैं आगे इसमें टेबल है, टेबल पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं केवल नाम लूंगी, आगे टेबल में एक ही टेबल में डॉट मैट्रिक्स इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, उसका पूरा फुल डिस्क्रिप्शन है। तो कौन से क्या होते हैं ये हम उसको पूरा बताएंगे। देखो ये डायग्राम है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो होता है वो इस तरीके का होता है, इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो इस तरीके का होता है, और ये है जो रखा है ये लेजर प्रिंटर है। तो इस तरीके से इसका ये जो है डायग्राम है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये टेबल आ गई पूरी। इस टेबल में पूरा क्लासिफिकेशन दे रखा है, इनका पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो होते हैं उनका जो करेक्टर बेस्ड आउटपुट होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर, ये तीनों के तीनों करेक्टर बेस्ड आउटपुट दे सकते हैं। करेक्टर बेस्ड आउटपुट यानी कि अल्फाबेटिक ए बी सी डी या फिर 1 2 3 4, ये जो होता है ये करेक्टर बेस्ड आउटपुट तीनों प्रिंटर दे सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स भी दे सकता है, इंकजेट भी दे सकता है और लेजर प्रिंटर भी दे सकता है। दूसरे इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है ग्राफिक्स बेस्ड आउटपुट। ग्राफिक बेस्ड आउटपुट का मतलब है कि है ना, आप फोटो प्रिंट करवाते हैं, आप अपनी मार्कशीट को प्रिंट कराते हैं, तो ये सब क्या है? ग्राफिक बेस्ड आउटपुट है, ठीक है ना। तो ग्राफिक बेस्ड, अगर आपके कंप्यूटर में कोई फोटो है तो वो उसको प्रिंट कराने, वो कहलाता है ग्राफिक बेस्ड आउटपुट। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा ग्राफिक बेस्ड आउटपुट प्रिंट नहीं कराया जाता, यानी कि फोटो वगैरह प्रिंट नहीं कराई जाती हैं, ठीक है ना। मगर इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं, इंकजेट प्रिंटर के द्वारा गुड क्वालिटी में फोटो प्रिंट होती है। गुड का मतलब सही, ठीक जो है वो फोटो प्रिंट हो जाती है। मगर लेजर प्रिंटर के द्वारा एक्सेलेंट क्वालिटी में फोटो का प्रिंट आउट निकलता है। आप जब अपनी फोटो पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंट करवाते हैं तो वो भी क्या करता है? वो प्रिंटर से निकाल के दे देते हैं आपको, ठीक है ना। तो वो जो प्रिंटर होते हैं वो होते हैं लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर की खासियत होती है कि लेजर प्रिंटर में जो इंक होती है वो ड्राई इंक होती है। ड्राई का मतलब सूखी, ठीक है ना। तो उससे सूखी इंक के कारण, सूखी तो क्या सूखेगी, वो तो सूखी भी है, ठीक है ना। तो वो प्रिंटर में जमती नहीं है।
मगर इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं उसमें गीली यानी वेट स्याही का प्रयोग किया जाता है, जो कि है ना, अगर आप कुछ समय तक अगर प्रिंटर का उपयोग ना करें तो वो स्याही क्या होती है, सूख जाती है, और सूख कर वो उसके जो नोजल होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है, जिससे कि क्या होता है, जब हम प्रिंट निकालते हैं तो उसके नोजल जहां पर ब्लॉक होते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर प्रिंट आउट सही नहीं आता। तो इस कारण से ये इसका एक ड्रॉबैक भी है कि इंकजेट प्रिंटर जो होता है उसमें गीली स्याही होती है और उनको हमको रेगुलर उसका आउटपुट लेना पड़ता है। रेगुलर मतलब दिन में एक बार या एक दो दिन में एक बार तो लेना ही पड़ता है, जिससे कि क्या है कि उसकी स्याही जो है वो काम आती रहे और उसके नोजल्स जो हैं वो साफ रहे, वो उसमें इंक जो है वो सूखे ना। इंक सूखने से वो क्या होते हैं, नोजल्स जो होते हैं उसके ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो प्रिंटर जो है खराब हो जाता है। मगर लेजर प्रिंटर की खासियत होती है कि उसमें जो इंक होती है वो ड्राई इंक होती है, और ड्राई इंक होने के कारण उसका सूखने का और जमने का कोई चक्कर ही नहीं रहता। इसलिए वो ना उन प्रिंटर से, लेजर प्रिंटर से अगर हम काफी समय तक कोई प्रिंट आउट ना निकालें उसके बावजूद भी वे उसी तरह रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता कि उनका नोजल खराब हो गया या उनकी ब्लेड खराब हो गई, ये सब कुछ प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है लेजर प्रिंटर में। तो इसका मतलब क्या है, वो एक्सेलेंट क्वालिटी, उनका आउटपुट भी जो होता है, आउटपुट भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो होता है वो सो सो होता है, मतलब ठीक ठाक होता है। आप देखते ही हैं कि जब आप बिल का प्रिंट आउट निकालते हैं, बिल जो होते हैं उसमें क्या कैसा लिखा रहता है, बिल्कुल हल्का हल्का सा लिखा रहता है, बिल्कुल ठीक है ना। तो जो बिल वगैरह होते हैं वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से निकाले जाते हैं, और इंकजेट प्रिंटर जो होती है उनकी क्वालिटी सही होती है, मगर लेजर प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो एक्सेलेंट क्वालिटी होती है, बहुत अच्छा आउटपुट दिखाई देता है उसमें। कॉस्ट इफेक्टिव प्रॉपर्टी, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की कॉस्ट इफेक्टिव प्रॉपर्टी मतलब कॉस्ट है ना, वो हमको कितना पे करना पड़ रहा है, वो कितनी कॉस्ट का आ रहा है, ठीक है ना। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, वो लो कॉस्ट में आ जाते हैं, मगर इंकजेट प्रिंटर जो होता है उसके लिए हमें हाई कॉस्ट पे करनी पड़ती है, ठीक है ना, उनको उनके लिए हमें थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ता है। मगर लेजर प्रिंटर जो होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। अब जहां पर यूं कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, तो वही वाली बात है कि अगर आपने एक बार महंगा लिया तो उसकी क्वालिटी जो होगी वो एक्सीलेंट होगी, वो बहुत ज्यादा दिन तक टिकाऊ होगा, मगर ये इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं वो इसी कारण से बहुत ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रहते, क्योंकि उनमें कुछ कमियां होती हैं ऐसी, जैसे वो वेट से आई और ये कुछ कमियां होती हैं उनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है, वो भी क्या होता है कि कई बार आपका बहुत अच्छा प्रिंट निकला हुआ है और आपके प्रिंट आउट के ऊपर वन ड्रॉप ऑफ वाटर गिर गया, अगर पानी गिर गया तो क्या हो गया, कलर फैल जाता है, ठीक है ना। उस कलर फैल जाने के कारण आपकी जो पिक्चर थी जो प्रिंट आउट में ली हुई थी वो पिक्चर खराब हो जाती है। मगर लेजर प्रिंटर से क्या होता है, लेजर प्रिंटर में ऐसा नहीं होता। लेजर प्रिंटर में अगर आपका प्रिंट आउट के ऊपर अगर पानी की ड्रॉप भी गिर जाती है तो वो आपकी पिक्चर को डिस्टर्ब नहीं करता, आपकी जो प्रिंटिंग है प्रिंटिंग को डिस्टर्ब नहीं करता, वो सूखने पर वैसी की वैसी दिखाई देती है, पुनः वापस वैसी दिखाई देती है, ठीक है ना। और नहीं तो क्या होता है, उसमें फैल जाती है। इंकजेट में क्या होता है कि अगर ना आपने पानी की कोई प्रिंट आउट ले रखा है और उसके ऊपर पानी की बूंद गिर गई तो वो वहां से क्या होता है, कलर डिस्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, जिससे कि आपका प्रिंट आउट जो है वो खराब हो जाता है। जैसे अगर है ना आपने मार्कशीट को प्रिंट कराया है तो मार्कशीट में क्या होगा कि जो प्रिंटिंग निकला हुआ है वो सूख सूख जाएगा। एक मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट फोन आया है, मैं बात करके फिर आपको। हाँ नमस्कार सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा, वो व्याकरण वाला है ना, सीएसयू जयपुर भी बहुत अच्छा आता है वैसे। एक है ना ओनली सीएसयू जयपुर आ रहा होगा, एक में शायद कुछ लगा हुआ है ऐसे कुछ।
हाँ जी हाँ जी हाँ एट द रेट अंडरस्कोर, बिना अंडरस्कोर वाला जो CSU जयपुर है ना उसको आप खोलिए, तो उसका पासवर्ड मैं बता देती हूँ आपको। उस हाँ उसका पासवर्ड है कैपिटल में CSU, हाँ, और एट द रेट 12345। हरिओम, ठीक है ना।